लोसर बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिस वजह से ये हिमालय के बर्फीले चोटियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों के बीच जो छोटे छोटे गांव बसे होते हैं, यहीं पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है एक आटा गूंदने के रस्म से, जिससे हम पूजा पाठ करने के लिए खुरा बनाते हैं, जो कि एक तरह का पूरी ही होता है। इसी दिन लोसर शुरुआत होती है और इसे हम डे वन पहला दिन या खुरा का दिन कहते हैं। कुछ इस प्रकार से खुरा को बनाया जाता है, तेल में लगा के पूरी की तरफ। आप देख सकते हैं आग के अंदर। जब ये बन जाता है, उसके बाद शाम को जो झंडा होते हैं और जो लुंगता, उनको बदलने का बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है। झंडा बदल दिया या फिर लुंगता बदल दिया, मतलब अब आपका लोसर त्यौहार शुरू हो चुका है। कुछ इस तरह से हम पुराने झंडों को उतार कर नए झंडों को इस पर फहराते हैं। इन सभी झंडों में बहुत सारे बौद्ध के लिपि लिखे होते हैं, जिनमें कुछ मंत्र या फिर किसी तरह का संदेश होते हैं। लुंगता का अपने आप में मतलब ही होता है कि हवाओं के घोड़ों पर सवार होकर दूर तक हमारा संदेश ले जाए। ये शराब का बोतल, जैसे कि आप देख सकते हैं, झंडा फहराने के बाद पूजा पाठ करके हुए इस बोतल से पूजा करते हैं, इसमें जो शराब होती है। फिर ये मक्खन लगाते हैं, इस मक्खन को हम टशिस कहते हैं, जो टशिस लगाते हैं। और जब लोसर त्यौहार मनाते हैं तो हम एक दूसरे को ग्रीटिंग्स या फिर जो भी आदान प्रदान करते हैं, उसको हम लोसमा टाशिस बोल के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये लकड़ी बहुत काम की चीज़ है, इसके बारे में अगले साल बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, ये है वो पूरा झंडा। ये मेरे घर का है, इससे पहले वाला किसी और के घर का था। इसमें आप देख सकते हैं ये सब पाली लिपि में लिखी हुई है, कुछ मंत्र, कुछ संदेश, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर मेरे पिताजी को आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से मंत्रों का उच्चारण और भगवान को और बुद्धिस्ट भगवानों को आमंत्रित करते हुए पूजा करते हैं टचिस लगाकर। अब लगभग शाम हो चुकी है और अंधेरा गिरने ही वाला है। ये एक बहुत ही आइडल समय या फिर उपयुक्त समय कह सकते हैं हम झंडा फहराने का। आप देख सकते हैं, अब इसके बाद हम रात के भोजन की तैयारी करते हैं, जो कि मोमो, जिसे हम कपो भी बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, सॉरी डायलेक्ट में, वो ही बनता है। इसके अलावा और कुछ हम बना नहीं सकते। ये एक रिचुअल है बहुत साल पहले से ही, जब से लोसर को मनाते आ रहे हैं। उसके बाद रात को ज़ोडियक साइंस, जिसको हम राशि फल चिन्ह बोलते हैं, जो कि हिंदू धर्म में भी होता है और बौद्धिस्ट में भी, इसे बनाने का रस्म है, जिसे हम सत्तू से बनाते हैं। इसे हमेशा ही विषम संख्या में रखा जाता है, 7, 9, 11 या फिर 12, क्योंकि 12 राशि फल होते हैं। तो आप 12 राशि फल के जो जानवर है, उनके चिन्हों को या फिर उनके मूर्तियों को आप बना सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मेरे पिताजी इसको बना रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे कौशल से माहिर हैं। मुझे इतना अच्छे से बनाना नहीं आता है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं बना रहा हूँ। तो इस बार इसको हम लो भी बोलते हैं। इस बार मेरा खुद का ही लो है, और जो लो है वो इस बार है लियो, जो भी सिंह बोलते हैं हम, या फिर थर हमारी लोकल डायलेक्ट में। तो उसका लो है, लो मीन्स चेंज इन ईयर और चेंज इन राशि,
तो आप देख सकते हैं इसको तंदूर के ऊपर सेकने के बाद ये सब कैसे दिखते हैं। हमने इस बार 9 बनाया था। अब चलते हैं अगले दिन। अगले दिन सुबह 3-4 बजे आप उठ सकते हैं, जितना जल्दी आप उठे उतना ही बेहतर होता है। इसे कहते हैं ब्रंग्यस या मिस, तो ये सत्तू का बनता है। ये एक पिरामिड की तरह होता है जो कि माउंटेन्स को शो करता है, जो कि पर्वतों को, पहाड़ों को शो करता है। और इसे बिल्कुल मक्खन से सजाया जाता है जो कि बर्फीले चोटियों को दर्शाता है। और अगले साल प्रॉस्पेरिटी आने की शुभकामना करते हुए हम ये सब चीज़ें करते हैं। अब देखिए खुरा का काम, आसपास जो पूरी है पूरा इसको सजा दिया है एक टोकरी में, और इसमें फल हम लगाएंगे, मेवे लगाएंगे, तो इससे इसको खड़ा करते हैं। इस बार 3 इसीलिए बनाया क्योंकि मेरा लो है, जितना लो होगा उतना एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। ये जो ब्रंग्यस है, कुछ इस तरह का दृश्य आप देख सकते हैं जब पूरा बन जाता है। और इन तीनों मिस्तों जो ब्रंग्यस देख रहे हैं आप, इनको एक एक माला पहना गया है जो कि पाइनस जियार्डियाना, जिसको हम न्यूजा कहते हैं, उससे बनाया गया है। साथ में आप देख सकते हैं वहाँ लस्सी का एक बोतल, उसमें टशिस, और एक दारू या फिर शराब की बोतल, उसमें टशिस रखा गया है, और धूप लगाते हुए। और ये जो आइडल्स आप जोड़िए चिन्ह के जो मूर्तियाँ देख रहे हैं, इनको भी टशिस के साथ यहाँ पर रखा गया है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से एक नारियल भी बहुत आवश्यक होती है, बहुत महत्वपूर्ण, टशिस लगा कर आप देख सकते हैं। नाशपाती, सेब, अखरोट, तो इस तरह से इसे सजाया जाता है। अब हमारा लोसर त्यौहार शुरू है। कई प्रकार के मिस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, लोगों द्वारा बनाया हुआ अति सुंदर। अब ये सब बनाने के बाद कुछ खाने पीने का वक्त पहुंच जाता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये है नमकीन चाय या मक्खन चाय। वो कहते हैं कि लोसर में अगर मौसम ख़राब ना हो या फिर बारिश अथवा बर्फ़ ना पड़े तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही शुभ लोसर इस बार का माना जाएगा। गाँव वाले देख सकते हैं आप किस तरह से लोसर त्यौहार को मनाते हैं, अपने पारंपरिक पोशाक पहन के और एक कायम नाटी को दर्शाते हुए, बहुत ही अद्भुत दृश्य बर्फ के साथ। जितना ज्यादा बर्फ उतना ही हर्षोल्लास, ताकि अगले साल प्रॉस्पेरिटी आ सके। फल सब्जी अच्छे से उग सके। तो आप तीसरी दिन की शुरुआत करते हुए हम करते हैं ब्रंग्यस को तोड़ने का काम, टू ब्रेक डाउन द मिस्तो और ब्रंग्यस व्हाटसोएवर। और आपको एक बात बता दूं, जिसका लो होता है या किसी का अगर लो नहीं भी हो तो उसको पिछले दिन यानी कि दूसरे दिन ब्रंग्यस या मिस्तो बनाने के बाद, उसको उठाने के बाद, जो कोई भी जो 12 चिन्हों में से और आदमी को मिला के किसी को देखे तो वो शुभ या अशुभ हम मान सकते हैं। जैसे कि मैं मान लो मैं बाहर निकल गया हमारे मिस्तो बनाने के बाद और उसका किसी को देख लिया, तो मैं बोलूँगा मेरा मिस्तो ये थे या मेरा मिस्तो वो जानवर था या फिर वो पक्षी था। तो ये एक रिचुअल है कि आप सुबह सुबह मिस्तो बनने के बाद सबसे पहले अपने परिवार के अलावा किसको देख सकते हैं। लोग बोलते हैं चूहों का या फिर जानवरों का बहुत अच्छा मिस्तो होता है। अभी आप जो देख रहे हैं ये मेरे पिताजी इसको प्रदर्शित करते हुए, ये नारियल को हमने तोड़ दिया, इसको खाएंगे। ये कुछ इस तरह से इसको तोड़ देते हैं सब कुछ बाहर निकाल के। कुल मिलाकर पिछले कल इसको बढ़िया बनाते हैं और आज इसको हम खराब करते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो लोसर एक बौद्धिस्ट त्यौहार है जिसका मतलब होता है नया साल या फिर नए राशि फल का। जैसे बहुत ही हर्षोल्लास से अपने पारंपरिक पोशाक पहन के पारंपरिक पकवानों को खाकर मनाया जाता है पूरे के पूरे जितने भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनके बीच दुनिया में। तो हम भी मनाते हैं, ये सिर्फ किन्नौर की बात करें तो अपर किन्नौर में मनाया जाता है, जो कि ब्लोकपू खंडपू में आते हैं, उसके ऊपर स्पीति में पूरा मनाते हैं।
फिर लद्दाख में मनाते हैं और बहुत सारे तिब्बत में भी मनाते हैं। तो ये जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं पूरंग, मतलब कि बुरी नज़र से बचाने के लिए। ये कुछ कई प्रकार के लोग अपने घरों में प्रंग्यास को फलमा बोलते हैं, इसको टू ब्रेक डाउन द प्रंग्यास मीन्स प्रंग्यास फलमा। इसी के साथ मैं जा रहा था अपने कर्मभूमि की ओर, क्योंकि मैं नहीं रुक सकता था, मुझे कुछ काम होता है। तो बर्फबारी के साथ यहीं पर लोसर का अंत करते हुए वापस मैं अपने गांव छोड़ के जा रहा था। उसी दिन तीसरे दिन जिस दिन प्रंग्यास फलमा है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत